दोस्तों आज की वीडियो आप सबका जानना बेहद ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में हमारे फ़ोन से लेकर हमारा टीवी, यहाँ तक कि हमारे घरों की लाइट्स, हमारे घरों के कर्टेंस, हमारे घरों के सारे अप्लायंसेस, एसी, फ्रिज, सब कुछ हमारे एक क्लिक से चलेगा। सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड, जिसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। 2G से लेकर 3G से लेकर 4G और अब 5G, जिसकी मदद से ये सब संभव हो पाएगा। हाँ जी, 5G टेक्नोलॉजी, जिसकी रेस में अब सारे देश दौड़ रहे हैं। लेकिन 5G की इस दौड़ में कहीं हम मानव जाति को किसी दूसरी महामारी के लिए तो तैयार नहीं कर रहे? कहीं हम कुछ ऐसा ना बना दें जिसका भविष्य सिर्फ और सिर्फ अंधकार हो? दोस्तों आज हम 5G के बारे में कुछ बहुत ही हैरान कर देने वाली बातें जानेंगे बेहद सरल भाषा में। टोटल 5 पॉइंट्स है हमेशा की तरह, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, 5th जनरेशन नेटवर्क 5G। ये एक वायरलेस नेटवर्क है जिसकी मदद से हम बहुत ही हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट को अचीव कर सकते हैं। मान लो 4G में अगर 10 Mbps की स्पीड मिलती है, तो 5G के आने के बाद यही स्पीड 10 से 20 Gbps पहुंच जाएगी। अब ये इतनी ज़्यादा स्पीड कैसे आ पा रही है? आप सिंपल से ये समझ लीजिए कि 5G मिलीमीटर वेव्स का यूज़ करती है, और वो भी बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पर। अब मिलीमीटर वेव्स यानी बहुत ही छोटी वेवलेंथ है, तो हर थोड़े डिस्टेंस पर इसके लिए एंटीनाज लगाने होंगे। इसका मतलब ये है कि सेल फोन टावर्स को हर थोड़े डिस्टेंस पर लगाना होगा। एक इंसान कितनी EMF को झेल सकता है, इसके लिए इंडिया समेत और भी कई देशों ने लिमिट सेट करी हुई है। तो 5G आने के बाद, जब ऑलरेडी 2G, 3G और 4G इंफ्रास्ट्रक्चर से निकली EMF भी मौजूद है, तो उन्हें भी ऐड कर दिया जाए, तो एक इंसान का एक्सपोजर RF EMF का, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि एक इंसान को बहुत ज़्यादा हाई रेडिएशन को झेलना पड़ता है। दूसरा पॉइंट, अच्छा EMF ही तो है, तो हमारा क्या बिगाड़ लेगी, वो भी ये इनविजिबल चीज़? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। EMF के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं ह्यूमंस पर, उनके ऊपर ये कुछ स्टडीज़ देखो। US नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम की ये स्टडी, जो कि 10 साल तक कंडक्ट करी गई, ये सबसे बड़ी रिसर्च मानी जाती है EMF को स्टडी करने के लिए। इसमें इन्होंने 10 साल तक चूहों पर स्टडी करी अलग अलग रेडिएशंस को लेकर, 2G 3G। तो इसमें ये सामने आया कि जिन चूहों को हाई रेडिएशन को एक्सपोज किया गया, उनमें हार्ट डैमेज, कैंसर और DNA डैमेज पाया गया। आप ये पढ़िए, क्लियर एविडेंस ऑफ एन एसोसिएशन विद ट्यूमर्स इन द हार्ट्स ऑफ मेल रैट्स। और हाँ, हम आपको बता देते हैं कि ब्रेन और हार्ट कैंसर जो इन चूहों में पाया गया था, वो एक ऐसे सेल टाइप को रिजेंबल करता है जो कि उन ह्यूमंस में पाया जाता है जिन्हें 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं मोबाइल फोन्स यूज़ करते हुए। इसलिए ये रैट्स पर हुई स्टडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है इंसानों के लिए भी। अब आप ये दूसरी स्टडी देखो, 1,39,000 वर्कर्स जो कि इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन पर ये स्टडी हुई। तो जो रिजल्ट सामने आए, उन्हें सुनकर हम भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। इसमें पता चला कि जो वर्कर्स हाई EMF वाले रीजन में काम कर रहे थे, उनमें डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, और जो यंग वर्कर्स थे और वो हाई EMF वाले रीजन में थे, तो देवर एट अ हाइयर रिस्क ऑफ अटेम्प्टिंग सुसाइड। हाँ जी, 5G से इंसानों की मेंटल हेल्थ पर असर पड़ सकता है। तीसरा पॉइंट, 5G टेक्नोलॉजी कितना बड़ा डिसीजन है इंसानी सभ्यता का, उसकी गंभीरता आप ऐसे समझिए। 41 डॉक्टर्स और 240 साइंटिस्ट अलग अलग देशों से, उन्होंने 5G को लेकर अपनी अपनी रिसर्चेस इकट्ठा करी, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ 5G इसके ऊपर, और यूनाइटेड नेशंस को, हाँ जी UN को अपील करा कि इस टेक्नोलॉजी पर जल्द से जल्द रोक लगा दी जाए। क्योंकि दोस्तों इसके इतने घातक इफेक्ट्स हो सकते हैं ह्यूमंस पर, इसकी एक झलक हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, आगे आपको और भी इसके साइड इफेक्ट्स पता चलेंगे अभी। और इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नेशनल 5G रेजोल्यूशन तक भेजा गया है साइंटिस्ट के द्वारा कि 5G टावर्स की डिप्लॉयमेंट पर जल्द से जल्द मॉरेटोरियम लगाया जाए। FCC के हिसाब से 800,000 एंटीना साइट्स चाहिए केवल USA में ही 5G को पूरे तरीके से डिप्लॉय करने के लिए, और विश्व भर में 50,000 एंटीना से ज़्यादा 2021 तक। इतने लाखों में 5G एंटीनाज लगाना, वो भी बिना किसी सेफ्टी टेस्टिंग के, स्टूपिडेस्ट आइडिया इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इनफैक्ट इस रेजोल्यूशन के बाद ब्रुसेल्स में तो 5G टावर के डिप्लॉयमेंट पर तुरंत रोक लगा दी गई, और जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे शहर के लोग इस 5G की टेक्नोलॉजी के गिनी पिग्स नहीं बनेंगे। दोस्तों आप ऐसे समझ लो कि सब कुछ एग्जैक्टली सेम है,
एक समय था जब यूएसए के प्रेसिडेंट के सामने फार्मा कंपनीज खड़ी थी मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करने के लिए। एक तरफ थी एक छोटे से न्यूली बॉर्न बच्चे की मुस्कान और दूसरी तरफ था पैसा, मनी। और उस समय यूएसए ने किस चीज़ का चुनाव किया ये आज हम सब जानते ही हैं, और आज पूरी दुनिया उसे भुगत भी रही है। हम अपनी पिछली कई वीडियोज़ में इसका खुलासा कर चुके हैं और आज भी वही सिचुएशन है। आज यूएसए के प्रेसिडेंट के सामने फार्मा कंपनीज की जगह खड़ी है टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज। एक तरफ है हस्ती खेलती फैमिलीज, बुद्धिमान लोग, वो लोग जो अपने पूरे होशो आवाज़ में हैं, वो लोग जो प्रोटेस्ट करना भी जानते हैं, और दूसरी तरफ है पैसा, मनी। बस एक चीज़ बदल गई, आज हमारे पास इंटरनेट है और हम सब लोग क्वेफ्सा मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका यूज़ करके बड़ी से बड़ी जंग को भी आसानी से जीता जा सकता है। क्वेफ्सा मेथड मतलब क्वांटम इंटेंगलमेंट मेथड फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस। इसके बारे में हमने अपनी पिछली कई वीडियोज़ में बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। अब बस आपको क्वेफ्सा मेथड देख के ये डिसाइड करना है कि आप ग्रुप ए में रहेंगे या ग्रुप बी में, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दोस्तों, हमें सच्चाई सब तक पहुँचानी है, चाहे आप इस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करो या शेयर करो, जो भी करना है करो। फिफ्थ पॉइंट, 5G टेक्नोलॉजी और हाई रेडिएशन के ह्यूमंस पर क्या इफेक्ट्स होते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हुई है। उनमें से जो निकल कर आया आप वो देखिए। 5G से होते हैं मेंटल इफेक्ट्स, जैसे कि मेमोरी लॉस, स्लीप डिसऑर्डर्स एंड चेंजेस इन मूड, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स जैसे कि आईज और स्किन इश्यूज, कैंसर, इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी, DNA डैमेज, न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, फटीग, बॉडी एक्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, स्किन टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशंस, एलर्जीज, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, आई स्ट्रेन एंड विजन लॉस, टिनिटस। आप ध्यान से देखिए इस लिस्ट को, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। हाई रेडिएशन या हाई EMF को एक प्लॉजिबल कॉज मानना अपनी किसी भी बीमारी के लिए हम अक्सर भूल जाते हैं, इसलिए ये एक अनआइडेंटिफाइड लेकिन एक मेजर कॉज है ये सारे डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी बीमारियों के बढ़ने में। दोस्तों, अगली वीडियो में हम इससे जुड़ा बहुत ही बड़ा खुलासा आपके सामने लाएंगे और इसका सोल्यूशन का पहला कदम। दोस्तों, आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहनी है। बहुत सारे लोगों के हम पे मेल आ रहे हैं कि द ओनली वन कम्यून के मेडिटेशन और डिप्रेशन काउंसलिंग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सीधे वेबसाइट पर जाएं, theonlyonecommune.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। और आपको कोई भी डाउट हो प्रोग्राम से रिलेटेड तो आप हमसे इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोस्तों, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें सपोर्ट करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इन वीडियोस को देख के अपनी नॉलेज बढ़ाएं। धन्यवाद।